हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, स्वागत। इस नए वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार बीपीएससी हेड मास्टर भर्ती का, जो है किस प्रकार से फॉर्म को अप्लाई करेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जो है लाइव फॉर्म फिल करके बताने वाला हूं। 6421 पोस्ट पे जो है हेड मास्टर की वैकेंसी निकाली गई है। जानेंगे कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है। इसका आवेदन स्टार्ट है 28 मार्च, इसका लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने के लिए। और इसका जो है ऑनलाइन का पोर्टल है, आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड किया हुआ है डीएस हेल्पिंग फॉर एवर की वेबसाइट पे, आप जो है क्लिक करके देख सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, अप्लीकेशन फी, एज लिमिट, इसके अलावा कैटेगरी वाइज कितना सीट है, इसके अलावा फ्रेंड्स जो है क्वालिफिकेशन क्या बोला गया है, आप एक बार यहां पे जरूर देखेंगे। और यहीं पे आपको जो है अप्लीकेंट लॉगिन और अप्लाई ऑनलाइन का भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप अप्लीकेंट लॉगिन पे क्लिक करते हैं फिलहाल, और यहां पे आपको बिहार बीपीएससी की ऑफिशियली वेबसाइट आपको देखने को मिलेगा। यहां पे देखिए, सबसे पहले आपको नीचे आना है। यहां पे देखिए हेडमास्टर इन सीनियर सेकेंडरी स्कूल अंडर एजुकेशनल डिपार्टमेंट, और यहां पे जो 5 मार्च से ही ऑनलाइन स्टार्ट है, 28 मार्च तक फॉर्म को अप्लाई करेंगे। यहां से आप नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं, और यहीं पे आपको अप्लाई ऑनलाइन का भी लिंक मिलेगा। उस पर सबसे पहले क्लिक करेंगे। जैसे फ्रेंड्स आप उस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह से जो है फॉर्म खुल के आ जाएंगे। आपको फॉर्म को भरना है, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो आप अपना पूरा नाम लिखेंगे, कैंडिडेट्स फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, उसके से फादर नेम, फिर आपका हस्बैंड नेम, अगर विवाहित महिला है तो अपना हस्बैंड नेम लिख सकती हैं, मदर्स नेम, यहां से डेट ऑफ बर्थ की चॉइस करेंगे। यहां चॉइस करना नहीं है, यहां पे लिख भी सकते हैं, चॉइस भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन है। इसके बाद यहां पे आपको मैरिड है कि अनमैरिड है, फिर पूछ रहा है कि आपका जेंडर क्या है, मेल है या फीमेल है, जो भी आपका जेंडर यहां चूज करेंगे। फिर पूछ रहा है कि आधार नंबर, आपको अपना आधार नंबर लिखना है। फिर पूछ रहा सिटीजन ऑफ इंडिया, यहाँ पे यस रहेगा। फिर पूछ रहा है कि आर यू परमानेंट रेसिडेंस ऑफ बिहार, अगर आप बिहार के परमानेंट निवासी हैं, ओरिजिन है, तो आप यहाँ पे यस करेंगे, नहीं है तो यहाँ पे नो भी कर सकते हैं, लेकिन आप जो है जनरल की तरह ट्रीट किए जाएंगे अगर आप बिहार के निवासी नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे यस करेंगे तो आपको यहाँ पे जो है कैटेगरी चूज करने का ऑप्शन आएगा, एससी, एसटी, ईबीसी, बीसी, ईडब्ल्यूएस। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है कैटेगरी को चूज करेंगे। फिर पूछ रहा है कि आप जो है ग्रैंड सन ऑफ डॉटर हैं फ्रीडम फाइटर के, यस नो में आपको बतानी है। फिर फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या आप विकलांग है, फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन है, तो यस करेंगे, अपने विकलांगता के बारे में बताएंगे। अगर आप 40% है उससे अब विकलांग है तो नहीं है तो यहाँ पे नो कर देंगे। उसके बाद से पूछ रहा है कि डू यू वॉन्ट टू पे कॉन्सेशनल फी एज अ पर एससी एसटी डिसेबिलिटी। अगर आप यहाँ पे यस करते हैं तो आप यहाँ पे जो है आपकी फी में छूट मिलेगी। अगर आप एससी एसटी या विकलांग से हैं या फीमेल है बिहार के, तो आप यहाँ पे यस करेंगे, ठीक है ना। डू यू वॉन्ट टू पे कॉन्सेशनल फी, अगर आप नो करेंगे तो यहाँ पे आपको फी देना पड़ेगा, भले आप एससी एसटी से हैं तो भी। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज करेंगे। एक चीज और ध्यान देंगे, जब आप यहाँ पे अपना कैटेगरी चूज करेंगे तो यहाँ पे आपको अपना जो है कास्ट का नाम लिखना है, जैसे कि ब्राह्मण, भूमियार, पंडित, जो भी आपका कास्ट का नाम है, जैसे कोयरी हुआ, तेली हुआ, शर्मा हुआ, धोबी, बढ़ई, जो भी लोहार, जो भी आपका कास्ट का नाम है, वो आप यहाँ पे सिंपल लिख देंगे, ठीक है ना। उसके बाद से फ्रेंड्स यहाँ पे आपको अपना प्रॉपर एड्रेस लिखना है, जो भी आपका स्थायी एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस हो गया, यहाँ पे कोरोस्पेंडेंस एड्रेस हो गया, प्रॉपर लिखेंगे, बेसिक जानकारी अच्छे से फिल करेंगे अपने एड्रेस को। फिर पूछ रहा है कि डू यू हैव ए रिक्वायर्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन एज अ पर नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट, आपको यस करना है। फिर यहाँ पे अपना ईमेल आईडी लिखना है, और यहाँ पे गेट ईमेल कोड पे क्लिक करना है, तो आपके उस ईमेल आईडी पे जो आप यहाँ लिखे रहेंगे उस पर कोड जाएगा, उस कोड को यहाँ पे लिख देंगे। फिर अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे और गेट मोबाइल ओटीपी पे क्लिक करेंगे, तो आपके मोबाइल पर ओटीपी जाएगा, उसको यहाँ लिखेंगे। उसके बाद इस कैप्चा को, ये जो यहाँ पे दिख रहा है, इस पे लिखेंगे और सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे आपको क्लिक करनी है। जैसे फ्रेंड्स आप सबमिट करते हैं, आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाता है। और आपको एक बार सबमिट करने से पहले वेरीफाई जरूर कर लेना है कि कोई भी आपने फॉर्म भरते वक्त गलती तो नहीं करा है। अब यहाँ पे देखिए, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, यूजर नेम, पासवर्ड यहाँ पे आपको मिल जाता है। आप इसका स्क्रीन शॉट या प्रिंट आउट जरूर ले लेंगे, या मोबाइल में स्क्रीन शॉट ले लेंगे, ताकि आप जो है फ्यूचर में इसे लॉगिन कर सके। अब आपको क्या करना है, लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के लिए फिर से आपको लॉगिन वाले पेज पे आना है, जो कि आपको डीएस हेल्पिंग फॉरएवर की वेबसाइट पे लॉगिन पेज मिल जाता है। आप इस लॉगिन पेज पे आने के बाद से आप अपना यूजर नेम और उसके बाद से पासवर्ड जो आपको बताया गया था, आपको रजिस्ट्रेशन करते वक्त मिला है वो, और कैप्चा भर के लॉगिन आप सिंपल करेंगे। जैसे फ्रेंड्स आप लॉगिन करेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन की जानकारी यहाँ पे शो होती है। आप एक बार मिलाएंगे यहाँ पे भी, अगर कोई भी अपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त जानकारी गलत भर दिया तो आप एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, अपडेट योर रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पेमेंट जमा करना है, तो जो भी आपको एप्लीकेशन फी है, आप यहाँ पे क्लिक हियर फॉर पेमेंट। जब आप पेमेंट जमा कर देंगे, उसके बाद आपको जो है दोबारा से आएगा यहाँ पे बटन खुल के फिल योर फॉर्म। तो तीन सेक्शन में फॉर्म को आवेदन करना है। पहले हमने रजिस्ट्रेशन करा, अब हम यहाँ पे पेमेंट करने वाले हैं, और इसके पेमेंट करने के जस्ट बाद यहाँ पे फिल एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन आएगा। तो चलिए यहाँ करते हैं क्लिक हियर फॉर पेमेंट पे क्लिक। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे, आपकी जानकारी शो होगी कितना रुपए एप्लीकेशन फी जमा करना है। फिर आपको प्रोसीड करना है, आर यू श्योर पूछेगा, ओके करेंगे।
उसके बाद से आपको यहाँ पे तीन ऑप्शन मिलेंगे, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। इसमें से आप कोई भी ऑप्शन को चूज करेंगे और आप जो है पेमेंट अपना जमा करेंगे। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे पेमेंट कर दिया है, सक्सेसफुली पेमेंट हमारा हो चुका है बीपीएससी की तरफ से, और यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट सक्सेस का मैसेज भी आ चुका है। और इस तरह से जो है आपको प्रिंट कर लेना है पेमेंट का, क्योंकि ये आपको आगे फर्दर जो है मांगा जा सकता है। तो आप इसका प्रिंट आउट अपने पास जरूर रख लेंगे, ये आपका पेमेंट प्रूफ का प्रिंट आउट रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आगे फ्यूचर में आपको मांगा जा सकता है। चलिए आपको ये प्रिंट आउट निकालने के बाद से अब आपको क्या करना है, क्लिक बैक टू डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। उसके बाद से इस तरह से ऑथेंटिकेशन होगा। अब यहां पे देखिए, यहां पे अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म का देखिए यहां पे ऑप्शन आ चुका है, और अगर आप चाहते हैं कैंसिल करना तो कैंसिल भी कर सकते हैं। अगर आपने मान लीजिए कुछ गलत भर दिया, बाय द वे गलत नहीं होना चाहिए, गलत भर दिया, तो आप कैंसिल रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। अभी आपने रजिस्ट्रेशन किया, पेमेंट किया, अब आपको फिल करना है एप्लीकेशन फॉर्म को। तो आप एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे, इसके बाद से यहाँ पे आपको जो है इस तरह से फॉर्म खुल के आएगा। यहाँ पे सबसे पहले पूछ रहा है आपकी जानकारी, जो ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करते वक्त दिया था वो यहाँ पे रहेगा। फिर पूछ रहा है क्या भारत का नागरिक है, सब चीज यहाँ पे शो हो रहा है जो आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त जानकारी दी थी। उसको से डायरेक्टली आपको नीचे आना है। पूछ रहा है क्या आप बिहार सरकार के सेवक हैं, अगर आप बिहार गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो यस करेंगे, और यहाँ पे अपना पद का नाम, कार्यालय का नाम, स्थान वगैरह भरेंगे, नहीं है तो नो कर देंगे। यहाँ पे देखिए ये ऊपर में सेकेंड मिनट चल रहे हैं कि आपको इतने देर के अंदर ये फॉर्म को फाइनल कर देना है। तो ध्यान रहे फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको देखिए आपकी मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सब चीज यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पे आपको सिंपल नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट जैसे ही करेंगे, अब यहाँ पे आपको जो है शैक्षणिक योग्यता के बारे में पूछा जा रहा है। सबसे पहले आपको बीएड या बीएडी या बीएससीएडी आपने करा है तो आपको बीएड की जानकारी यहाँ पे आपको बतानी है, सब्जेक्ट, सेशन, उसके उससे पासिंग डेट, कब आपने पास करा, इंस्टीट्यूट का नाम, बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम, कितना में कितना नंबर आपको मिला है। अगर आपका सीजीपीए है तो उसको मार्क्स में कन्वर्ट करके आप सीजीपीए में यहाँ पे जो है बता सकते हैं, परसेंटेज यहाँ बता देंगे। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में पूछ रहा है, फिर आपका जो है ग्रेजुएशन डिग्री के बारे में पूछ रहा है सेम उसी कंडीशन में, उसके वजह से इंटरमीडिएट के बारे में पूछ रहा है, फिर आपको मैट्रिक के बारे में पूछ रहा है। तो आप जो है ये पांच डिटेल्स आपको भरना मैंडेटरी है। यहाँ पे आप जो पांच डिटेल्स को भरेंगे, अब यहाँ पे काफी लोग सेशन में कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए हम मैट्रिक के बारे में बताते हैं आपको, मैट्रिक का जो सेशन होता है एक साल का होता है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्ट में ऑल लिख सकते हैं, क्योंकि ऑल सब्जेक्ट होते हैं जो जनरल सब्जेक्ट होते हैं। मान लीजिए आपने 2006 में पास करा है, 2006 से लेकर सॉरी 6 में पास करा है, तो 2005 से लेकर इसका 2006 रहेगा आपका सेशन, इस तरह से देख रहे ना। तो इस तरह से भरना, अगर इंटर का है तो 6 में आपने 2006 से लेकर 2008 आपका इंटर का होगा, दो साल का ग्रेजुएशन होगा 2008 से लेकर, इस तरह से आप जो है तीन साल जोड़ेंगे और 2011 रहेगा। इस तरह से पोस्ट ग्रेजुएशन दो साल का होता है, 2011 से लेकर आपका जो सेशन हो जाएगा 2013 हो जाएगा, 11, 12, 13। तो इस तरह से आपको सेशन लिखना है, पासिंग ईयर भी यहाँ पे आपको लिखना है, सेशन यही होता है। फिर आपको यहाँ पे नीचे पूछ रहा है कि हैव यू क्वालिफाइड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, क्या आपने जो 2012 में जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हुए थे आप क्वालिफाई हैं, यस नो में आपको बतानी है, अगर पास है तो यस करेंगे, नहीं है तो भी यहाँ पे नो कर सकते हैं। उसको से फ्रेंड्स यहाँ पे टाइप ऑफ एक्सपीरियंस, किस तरह के आपके पास एक्सपीरियंस है। देखिए ये हेडमास्टर की वैकेंसी है, तो इसमें आपको एक्सपीरियंस जो है मांगा गया है। मैं आपको बता देता हूँ इसमें एक्सपीरियंस क्या बोला गया है, आप यहाँ पे एक बार देखेंगे तो आपको बोला गया अनुभव। अनुभव आपको जो है कम से कम राज्य सरकार के विद्यालय में पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत अगर आपको जो है 10 वर्षों की लगातार सेवा की है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, या आपने CBSE, ICIC या BSEB में अगर आपने जो है लगातार सेवा किया हुआ है तो आप 12 वर्ष की लगातार सेवा की है तो आप इसमें आवेदन दे सकते हैं। अगर आप राज्य सरकार के विद्यालय में पंचायती राज संस्था एवं निकाय अंतर्गत उच्च विद्यालय शिक्षक के पद पर 8 वर्ष का लगातार सेवा किए हैं तो भी आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स आपको एक्सपीरियंस यहाँ पे देखना है, तो इसी में से कौन सा वाला आपके पास एक्सपीरियंस है वो आप यहाँ टिक करेंगे और अपना एक्सपीरियंस के बारे में बताएंगे कि वर्क एक्सपीरियंस क्या है, पोस्ट का नाम, कौन से टीचर के पोस्ट पर आपने काम करा है, नेम ऑफ डिपार्टमेंट क्या है, कब से कब तक आपने काम करा है, टेन्योर ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस क्या रहा है, टोटल यहाँ पे एक्सपीरियंस आपको जो है बतानी है। तो आप बेकायदे अच्छे से फिल करेंगे, उसकी वजह से पूछ रहा है कि लास्ट करेंट वर्किंग प्लेस, आपका जो लास्ट कहाँ आपने काम करा है, अपना जो है राज्य का नाम लिख सकते हैं या प्लेस का भी नाम लिख सकते हैं, ये आपको एक डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आपको राज्य का ही नाम आ रहा है क्योंकि यहाँ पे आपको राज्य ही चूज करना है, फिर उसके अनुसार डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आ रहा है तो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आप चूज करेंगे। तो ये अच्छे से फिल करेंगे फ्रेंड्स। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दिया कैसे फिल करना है, इसके अलावा एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे जो है बताना है, जो भी इस चारों में से कोई एक्सपीरियंस बोला गया, इसमें से कोई एक्सपीरियंस धारक है वही लोग यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई करेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए फ्रेंड्स आपको DS हेल्पिंग फॉर एवर की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको देखने को मिलेगा कि कौन से एक्सपीरियंस पे कितना जो है एक्सपीरियंस बोला गया है किस किस क्वालिफिकेशन के लिए। चलिए हम इसे भरते हैं और उसके बाद से यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं।
जैसे फ्रेंड्स आप यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, अब आपको अपना उम्मीदवार का एक शारीरिक पहचान, बॉडी में क्या पहचान है, जैसे कि मोल का निशान, तिल का निशान, कटा का निशान, बर्न का निशान, आप यहाँ पे जो है लिखेंगे। और पूछ रहा है कि अन्य कोई सूचना इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो यस करेंगे और यहाँ पर लिख सकते हैं, नहीं यहाँ पे नो करेंगे। फिर यहाँ पे आपको अपना जो है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो कि 25 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और उसके बाद यहाँ पे आपको बोला गया कि सिग्नेचर भी यहाँ पे आपको अपलोड करनी है, और एक यहाँ पे हिंदी में सिग्नेचर अपलोड करनी है, इंग्लिश और हिंदी दोनों सिग्नेचर आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। फिर यहाँ पे आपको जो है अपना अनुलग्नक मतलब इनक्लोजर यहाँ पे आपको PDF जो है 1 MB से कम यहाँ पे होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे आपको अपलोड करनी है, जैसे कि मैट्रिक का सर्टिफिकेट या मार्कशीट, डेट ऑफ बर्थ जिस पे लिखा होना चाहिए वो यहाँ पे क्या करेंगे अपलोड करेंगे, और यहाँ पे 1 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए जो भी आप फाइल अपलोड कर रहे हैं। फिर आपको जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट एज अ पर एडवर्टाइजमेंट, कॉलम 3 में जो एडवर्टाइजमेंट में बोला गया है, जैसे कि यहाँ पे बता दूँ ये कॉलम 3 है, आप देख सकते हैं ये 2 नंबर है, और ये शैक्षणिक योग्यता देख सकते हैं आप भी, इसका जो क्वालिफिकेशन जो बोला गया है वो आपको यहाँ पे क्या करना है अपलोड करनी है। तो आप जो है अपने अकॉर्डिंग जो है PDF बनाएंगे और यहाँ अपलोड करेंगे। फिर पूछ रहा है कि आपको जो है तीसरा, और ये मतलब एक में आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन, एक में आपको BEd वाला, एक में आपको जो एक्सपीरियंस है वो, फिर यहाँ पे आपको SC ST का कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको अपलोड करनी है, उसके वजह से डोमिसाइल सर्टिफिकेट, उसके वजह से इन केस ऑफ SC ST, और फिर पूछ रहा है कि नॉन क्रिमिलेयर सर्टिफिकेट, अगर आप BC EBC से आते हैं तो अपना नॉन क्रिमिलेयर सर्टिफिकेट को यहाँ पे अपलोड करेंगे। फिर EWS, अगर आप EWS से आते हैं तो अपना EWS का सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करेंगे। फिर सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी, अगर आप विकलांग हैं तो अपना विकलांग सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। फिर सर्टिफिकेट ऑफ एज रिलैक्सेशन, अगर आप एज में आयु में छूट ले रहे हैं तो उसका सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको जो है अपलोड करनी है। इन केस ऑफ फ्रीडम फाइटर, अगर फ्रीडम फाइटर के आप हैं तो उसका सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको अपलोड करनी है। तो इतने तरह के सर्टिफिकेट है, सबका अलग अलग सर्टिफिकेट है, बट मैट्रिक और एजुकेशन क्वालिफिकेशन सबको अपलोड करनी है। बाकी कैंडिडेट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है बोला गया, आप अगर हैं इस तरह के कैंडिडेट्स तो आप अपलोड करेंगे। फिर यहाँ पे आपको जो है प्रीव्यू वाले बटन पे चेक करना है, और चेक करने के बाद से आपको जो है समझना है कि आपने जो भी जानकारी फिल करा है सब चीज़ सही नहीं है, अगर इसमें कोई भी मिस्टेक है तो आप उसे सुधारेंगे बैक प्रीवियस जा जाके, वरना आप जो है सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर देंगे तो आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा। उसके बाद से फ्रेंड्स आपको वहाँ पे जो है ऑप्शन आ जाता है कि आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो चुका है, अब आपको जो है दोबारा से लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आपको यूजर नेम पासवर्ड पता है, वो यूजर नेम पासवर्ड लिख के आप क्या करेंगे दोबारा से लॉगिन करेंगे, तो आपके यहाँ पे जो है जो एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन है यहाँ पे आपको डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन आ जाएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपको जो फॉर्म को अप्लाई करना है BPSC हेड मास्टर के लिए। ज्यादा जानकारी के लिए फ्रेंड्स आप एक बार नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ेंगे, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन सारे डाउट्स क्लियर हो सके और आपको फॉर्म भरने में और भी ज्यादा सहूलियत मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।